ये है बिहार की पहचान, हरे भरे खेत, भरपूर फसल और अनाजों से भरे कोठार। लेकिन बिहार सिर्फ अन्न उपजाना ही नहीं जानता, उसे सुस्वादु व्यंजन में तब्दील करना भी जानता है। यहाँ के व्यंजन की विशेषता है सहजता और सरलता, जो खासियत है बिहार की माटी की, बिहार के लोगों की। यहाँ किसी शेफ की जरूरत नहीं होती, नहीं किसी दूर देश के सामान की, बस जो है उसी में स्वाद का जादू बिखेरना जानता है बिहार। गेहूं का आटा और चने के सत्तू को जब बिहारी हाथों की थाप और गोईठे की आंच मिलती है, तो लिट्टी के रूप में ऐसा व्यंजन तैयार होता है जिसे सिर्फ खा कर ही महसूस किया जा सकता है। लिट्टी ही क्यों, कभी सिलाव का खाजा खाया है आपने? जीभ पर रखते ही सिर्फ उसकी मिठास शेष रह जाती है। कभी ये सिर्फ राजगीर के पास सिलाव में ही मिलता था, अब तो बिहार के हर एक शहर में इसकी एक खास दुकान देखी जा सकती है। अब जब मीठे की बात चल रही है, तो चलें बढ़ चलें मनेर। सूफी संत मखदूम यहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत की धरती। यहाँ की कारीगरी की खासियत है कि सामान्य सा बूंदी का लड्डू यहाँ के स्पर्श के साथ ही विशिष्ट बन जाता है। सतगुर न तेरे करे लख खुशियां बादशाह। ये बन रही है खुरचन। बस चाहिए दूध और सिर्फ दूध। दूध को सुखाते सुखाते बन रही ये खुरचन न तो पेड़ा है न ही खोया। इसका सौंधापन इसे एकदम अलग स्वाद देता है। दूध नहीं कोई बात नहीं, ये बिहार में भरी मिठास का ही कमाल है कि यहाँ गेहूं के आटे, मैदे, चावल के आटे, तिल, रामदाना, अपने खेतों में उपजने वाली हर एक वस्तु को ये मिठाई का खूबसूरत आकार और शानदार स्वाद दे सकती है। मोटे आटे को गुड़ या चीनी के साथ घी में गूंद लीजिए और छोटी छोटी लोइयां बनाकर लकड़ी के सांचे पर अपना मनचाहा आकार देकर धीमी आंच पर घी में ही तल लीजिए। बस बन गया बिहार का सदाबहार ठकुआ। ये प्रसाद भी है और जलपान भी। जलपान की बात चली है तो बालूशाही चखिए। शाही सिर्फ स्वाद में, बनाने के लिए चाहिए बस मैदा, चीनी और घी। मुलायम इतना कि मुंह में डालते ही घुल जाए। ये है अनरसा। चावल के आटे, तिल और चीनी, ऊपर से कुड़कुड़े, अंदर से नरम। बिहार के व्यंजनों की विशेषता ये है कि इसका मौसम से सरोकार है। कहते हैं तिल की तासीर गर्म होती है, तो यहाँ जाड़े के मौसम में तिलकुट का प्रचलन है, जिसे बनाने के लिए चाहिए तिल, चीनी या गुड़ और बस थोड़ी सी मेहनत। लेकिन स्वादिष्ट इतनी कि जाड़े में बिहार से आप बगैर तिलकुट खाए गुजर नहीं सकते।
बिहार के खान पान की पहचान इसके अपने उत्पाद से होती है। मखाना बिहार के हर खान पान का हिस्सा बन सकता है। बस कुछ नहीं, इसे घी में फ्राई कर खा लें, दूध में उबाल लें तो खीर तैयार। चाहे तो दाल के साथ पका लें या सब्जी में। मखाना अपनी उपस्थिति से हर व्यंजन को एक अलग पहचान और स्वाद देता रहेगा। ये बस थोड़े ही हैं। बिहार के सौंदर्य बोध की तरह यहाँ के लोगों के खान पान की महिमा भी असीम है। स्वास्थ्य भी और सौंदर्य भी।